हाय गाइस, वेलकम टू सीक्रेट ऑफ फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे मैंगो स्टफ्ड कुल्फी। एज यू ऑल नो कि ये मैंगो सीजन है, सो व्हाई नॉट टू मेक अ सिंपल येट डिलीशियस रेसिपी फ्रॉम मैंगोस, व्हिच इज आल्सो वर्थ मेकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंगो स्टफ्ड कुल्फी बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 बिग कप्स ऑफ मिल्क चाहिए, 2 मैंगोज चाहिए मीडियम साइज, 5-6 मैंने यहाँ पे केसर के थ्रेड्स ले लिए और 1 इलायची ली है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ही यूज़ किए हैं, पर ये ऑप्शनल है। देन यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क ली है, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्टफ्ड कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कढ़ाई या पैन चाहिए, जिसमें हम सारा मिल्क डाल के उसको रिड्यूस करेंगे, यानी हम जितना मिल्क डाल रहे हैं उसका हमें हाफ छोड़ना है, जो हम बाद में मैंगोज में स्टफ़ करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें दूध को बार बार स्टर करना है, ताकि जो दूध है वो नीचे बॉटम से जले नहीं। एंड अगर आपको लगता है प्रोसीजर लंबा है, तो आप सीधा 2 कप ऑफ मिल्क लेके उसमें 2-3 उबाले आने के बाद उसमें 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, वो सेम कंसिस्टेंसी देगा। एंड अब यहाँ हम देख सकते हैं कि मिल्क के ऊपर मलाई आ गई है, तो इस मलाई को भी हम मिल्क के अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि वो एक रबड़ी टेक्सचर देगा और कुल्फी में रबड़ी टेक्सचर ही नीडेड होता है। एंड हम साइड्स भी स्क्रैप ऑफ करेंगे और मिल्क के अंदर ही मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मिल्क हाफ रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑफ मिल्क मेड डाला है। देन यहाँ पे मैं सैफ्रन एंड कुटी हुई इलायची ऐड करूँगी एंड चॉप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। देन मैं इसको अच्छे से एक बार स्टर कर लूँगी। एंड इसके बाद भी हमें जब तक सैफ्रन अपना येलोइश थोड़ा कलर छोड़ना दे, अब भी हमें 1-2 बॉयल तक इसको पकने देना है। तो पूरे 30 मिनट्स में हमारा एक कुल्फी मिक्सचर बनकर रेडी हुआ है। यहाँ हम कंसिस्टेंसी और कलर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट आया है। तो यहाँ मैं मिक्सचर को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि अब इसे हमें मैंगो में स्टफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले एक मैंगो ले लिया है, तो ऊपर से एज इन कैप की तरह हमें इसका ऊपर का पार्ट निकालना है, क्योंकि मेन पर्पस हमारा है कि मैंगो की गुठली निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस साइड को है गुठली, क्योंकि हमें सिर्फ गुठली निकालनी है। मेक श्योर आप साइड्स में नाइफ ना मारे, क्योंकि साइड्स में कट लग गए तो हमारा जो मिल्क का बैटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो हम बहुत आराम से सिर्फ गुठली जिस एरिया में, उस साइड से गुठली को अलग करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा मैसी हो सकता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। तो यहाँ मैंने सारा अलग कर लिया है गुठली को मैंगो से। देन हम इसको ट्विस्ट करके निकालेंगे, ट्विस्ट करके ही गुठली आराम से निकलेगी। आप टोंग से भी निकाल सकते हैं, बट मैं हैंड का यूज़ कर रही हूँ। हमारी गुठली परफेक्टली निकल चुकी है। मैंगो को एक सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी का यूज़ किया है। मैंने ऐसी कटोरी ली है जिसमें हाफ सेटल हो जाए मैंगो, मैंने इस टाइप की कटोरी ली है। तो यहाँ अब हम अपने मैंगोज के अंदर स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉप्ड मैंगोज लिए हैं, ये मैंने गुठली में से ही सारे मैंगोज चॉप कर लिए थे। तो इसमें मैं थोड़े से चॉप मैंगो ऐड करूँगी, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं प्रिपेयर्ड अपना मिल्क का बैटर इसमें डालूँगी एंड सिमिलरली मैं दूसरे मैंगो में भी ऐसे ही स्टफिंग कर दूँगी। एंड अब स्टफिंग करने के बाद इसे हमें फ्रीज़र में रखना है अनटिल ये पूरा फ्रीज ना हो जाए। मैंने यहाँ पे इसको 12 आवर्स के लिए फ्रीज़ किया। हम देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुका है और हार्ड हो चुका है। देन इसे हमें पील करना है। आप नाइफ़ की हेल्प से भी पील कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पीलर की हेल्प से पील कर रही हूँ। सारे मैंगो पील करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ। आप किसी भी शेप या साइज में से कट कर सकते हैं, बट इससे मैं सर्कुलर कट कर रही हूँ, यानी कि मैं गोल कट कर रही हूँ। नो डाउट इस रेसिपी का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। जो चीज़ हम बाहर जाके खाते हैं, अगर वही सिमिलर हम घर पे बना पाए, तो उससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं मैंगो स्टफ्ड कुल्फी के एंड इसे अब मैं सर्व करूँगी। हम देख सकते हैं कि हमारी मैंगो स्टफ्ड कुल्फी कितने अच्छे से प्रिपेयर होके तैयार हुई है। तो इसे मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश करूँगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो इस रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।